सो हेलो एवरीवन, सो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स, दैट इज एस ए 800 सीरीज। तो सीए इंटर के अंदर अपना जो जर्नी होता है ना स्टैंडर्ड्स का, वो 700 की सीरीज में खत्म हो जाता है। बट सीए फाइनल की बात करें तो यहाँ पे ऐसे 700 सीरीज के बाद भी कुछ है जो अपने को पढ़ना है, दैट इज एस ए 800 का सीरीज है। देन वी हैव एस एज, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। वी हैव एस आर ईज, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। एंड वी ऑल्सो हैव एस आर एस, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो अभी फिलहाल अपन जो पढ़ने वाले हैं वो ऐसे 800 की सीरीज पढ़ने वाले हैं, राइट? एंड दैट इज अगेन ए वेरी वेरी सिंपल सीरीज एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज। इस पर्टिकुलर सीरीज में आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेरी बातें ध्यान से सुननी है, और जो नोट्स मैं आपके आपको बनवाऊंगा वो नोट्स आपने साथ साथ बनाना है। एंड आप देखोगे चुटकियों में ये सीरीज होगी और बहुत ही आसान सीरीज है, ठीक है? और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि यहाँ से क्वेश्चंस आए, बिकॉज दिस आर द टॉपिक्स ओनली इंसर्टेड फॉर सीए फाइनल्स। सीए इंटर में ये टॉपिक्स नहीं है, सो दैट इज वाई ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब ऐसे 800 का जो सीरीज है ना सर, ये स्पेशल केसेस की बात करता है। क्या, किसकी बात करता है? स्पेशल केसेस की बात करता है। जैसे आप देखना, तीन अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में। ऐसे 800 है, 805 है, 810 है। याद करो, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाता है तो एज ए ऑडिटर मेरे ऊपर ऐसे 200 से 700 लगता है, ठीक है? तो अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाता है, जनरल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीड को ध्यान में रखते हुए बनाता है तो ऐसे 200 से 700 मेरे ऊपर लगता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, राइट, मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं बना रही है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना रही है। याद करो ऐसे 700 टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क में मैंने तुमको समझाया था कि दो टाइप का फ्रेमवर्क होता है, एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क होता है और एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता है, ठीक है? दो टाइप का फ्रेमवर्क होता है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया जाता है जनरल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीड को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि शेड्यूल 3 हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, इंड एएस हो गया, तो उसको बोलते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया जाता है किसी स्पेसिफिक यूजर के स्पेसिफिक नीड को ध्यान में रखते हुए तो उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो जरूरी तो नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा 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 सिर्फ और सिर्फ कैसे बने, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने। हो सकता है किसी स्पेसिफिक यूजर के नीड को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने। और अगर ऐसा होता है ना, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अगर अपन ऑडिट करेंगे, जब अपन ऑडिट करेंगे तो ऐसे 200 से 700 तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के ऊपर है, तब लगेगा ऐसे 800, ठीक है? तब लगेगा ऐसे 800। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि एज ए ऑडिटर मेरे को किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को ऑडिट करने दिया जाता है, किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट को ऑडिट करने दिया जाता है, सिर्फ बैलेंस शीट को ऑडिट करने दिया जाता है, सिर्फ कैश फ्लो को ऑडिट करने दिया जाता है। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो मेरे ऊपर लगेगा ऐसे 805। क्या लगेगा? ऐसे 805 लगेगा, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है फॉर द पर्पस ऑफ यू नो सर्कुलेटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी अपने को ऑडिट करना पड़ रहा है। तो अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है तो अपने ऊपर ऐसे 810 लगेगा, ठीक है? अभी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, अभी सिर्फ एक अपन ओवरव्यू ले रहे हैं कि सर कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होंगे ना, कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होंगे कि एज अ सीए मेरे को ऑडिट करने का काम मिलेगा और वहां पे ऐसे 200 से 700 नहीं लगेगा, वहां पे 800 की सीरीज लगने वाली है। जैसे कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है जनरल स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से, एज ए ऑडिटर मुझे ऐसे 800 लगाना होगा। अगर स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहा हूं मैं, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहा हूं मैं, सिंगल एलिमेंट को ऑडिट कर रहा हूं मैं, तो ऐसे 805 लगेगा। और अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहा हूं मैं तो ऐसे 810 लगेगा। तो एक एक करके अपने को इंडिविजुअली ये स्टैंडर्ड्स देखना है। सबसे पहले ऐसे 800 में आते हैं, ठीक है? ऐसे 800, अब देखना ऐसे 800 का नाम क्या है, स्पेशल कंसिडरेशंस। स्पेशल कंसिडरेशंस नाम में क्या दे दिया सर, स्पेशल। स्पेशल कंसिडरेशंस ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, कि यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जा रहा है इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क और उसका ऑडिट हो रहा है तो मेरे को स्पेशल कंसिडरेशंस क्या क्या होंगे मेरे, व्हाट इज गोइंग टू बी माय स्पेशल कंसिडरेशन। तो अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और अगर
मान लो क्लाइंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया है और फिर मेरे को एज ऑडिटर एक्सेप्ट किया है, तो मेरे स्पेशल कंसिडरेशन क्या क्या होंगे। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए मेरे को बुलाते तब मेरे को पता होता कि मेरे जनरल कंसिडरेशन क्या क्या है, बट अगर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए मेरे को बुलाया गया है सो इन दैट सिचुएशन मेरे स्पेशल कंसिडरेशन क्या क्या होंगे, यही बात हमें ऐसे 800 बताता है। तो सबसे पहले देखना ऐसे 800 का बैकग्राउंड समझो। ध्यान रखना तुमको इस स्टैंडर्ड में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मेरी बातें सुननी है, बैकग्राउंड समझना है, नोट साथ में बनाने हैं, योर स्टैंडर्ड इज डन। ठीक है, सबसे पहले याद करो दो टाइप के फ्रेमवर्क होते थे, दो टाइप के फ्रेमवर्क होते थे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। कौन से दो फ्रेमवर्क थे बेटा, याद दिलाना। एक था जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, एक था स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है, अब जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में क्या बताया था तुमको, क्या होता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, कि जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है ना, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, P&L हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, ये जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है ना, जो जनरली कॉमन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। मतलब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शेयर होल्डर्स भी रिलाई करते हैं, क्रेडिटर्स भी रिलाई करते हैं, एम्प्लॉयज भी रिलाई करते हैं, गवर्नमेंट भी रिलाई करती है, क्रेडिटर्स भी रिलाई करते हैं, ऑल द स्टेक होल्डर्स रिलाई, तो उसको बोला जाता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है ना, कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे फ्रेमवर्क से बनता है कि सारे यूजर्स उस पर रिलाई कर सकें, जैसे कि हमारा शेड्यूल 3 हो गया, जैसे कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, जैसे कि हमारा इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो उसको बोला जाता है सर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। अब नॉर्मली जो कंपनी का स्टैट ऑडिटर होगा वो क्या करने वाला है सर, एक्सप्रेस करने वाला है ओपिनियन ऑन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉर्मली तो ऐसा ही होने वाला है। लेकिन एक फ्रेमवर्क और होता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क और होता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अब जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जा रहा है वो हमेशा कॉमन यूजर्स के कॉमन नीड्स को ध्यान में रखते हुए फुल बनाया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक यूजर के स्पेसिफिक नीड को ध्यान में रखते हुए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है। तो अगर कंपनी किसी स्पेसिफिक यूजर के स्पेसिफिक नीड को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है ना, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वहां पे एप्लीकेबल होने वाला स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। इसका एग्जांपल क्या है, मान लो एक इंडियन कंपनी है मेरी अपना मेंटर, अपना मेंटर का नाम तो सुना ही होगा, apnamentor.com, ठीक है, द लीडिंग पोर्टल इन सीए फाइनल एजुकेशन फॉर सेलिंग पेनड्राइव क्लासेस टेस्ट सीरीज एंड मेंटरिंग प्रोग्राम। तो भाई मान लो एक इंडियन कंपनी है apnamentor.com, अब एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी ने बोला कि अरे यार ये जो अपना मेंटर कंपनी दिखाई दे रहा है ना, इसमें अपने को पोटेंशियल नजर आ रहा है और अपने को लगता है कि अपने को अपना मेंटर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपना मेंटर का स्टेक एक्वायर करना चाहिए। तो एक फॉरेन कंपनी है जिसने क्या सोचा कि जो इंडियन कंपनी है अपना मेंटर, क्यों ना उसका स्टेक एक्वायर किया जाए। अब एक चीज बताना भाई, कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई फॉरेन इन्वेस्टर तुम्हारी कंपनी में आके फ्री फंड में पैसा लगाएगा क्या बिना ड्यू डिलिजेंस करे, बताओ? नहीं लगाएगा ना, वो ड्यू डिलिजेंस करेगा ना, सही बात है। और ड्यू डिलिजेंस करने के लिए वो क्या करेगा, तुमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी मांगेगा कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी दे दीजिए जरा। अब हमने फॉरेन कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज दे दी, लेकिन अब दिक्कत ये हुआ यार कि वो फॉरेन इन्वेस्टर को ना हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा। क्यों समझ नहीं आ रहा, वो बोल रहा है कि अरे यार आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है वो शेड्यूल 3 को यूज करके बनाया है, अपने लोकल FRF को यूज करके बनाया है, लेकिन प्रैक्टिकली वो US बेस्ड कंपनी है, तो वो बोलती है कि यार हमारे यहाँ तो US फ्रेमवर्क लगता है, हमारे यहाँ तो US का फ्रेमवर्क है, हमारे यहाँ तो क्या सर US का फ्रेमवर्क है। ठीक है ना, तो आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है वो तो इंडियन फ्रेमवर्क को फॉलो करके बनाया है, लेकिन हमारे यहाँ तो USA का फ्रेमवर्क लगता है, तो हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलाई करके आपको, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको फंड सैंक्शन नहीं कर सकते, आपके शेयर्स को एक्वायर नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कीजिए, दोबारा से प्रिपेयर कीजिए एज पर द US फ्रेमवर्क, एज पर द US गैप्स। ठीक है ना, जो फ्रेमवर्क होता है, जो गैप्स होता है, अलग अलग देश का अलग होता है, इंडिया का इंडियन फ्रेमवर्क है, US का US फ्रेमवर्क है, US गैप्स है, UK का अलग है, कनाडा का अलग है, जापान का अलग है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आप US फ्रेमवर्क के हिसाब से दोबारा से क्या करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाओ और उसे ऑडिट कराओ। अब हमारी कंपनी क्या करेगी, जो कि इंडियन कंपनी है, US फ्रेमवर्क के हिसाब से दोबारा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगी। और तुम एक चीज बताना मेरे को, ये जो दोबारा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया जा रहा है US फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया जा रहा है, क्या ये कॉमनली सारे यूजर्स के नीड्स के लिए है? द आंसर इज नो। ना शेयर होल्डर को इससे मतलब है, ना गवर्नमेंट को इससे मतलब है, ना थर्ड पार्टीज को इससे मतलब है। ये जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया जाएगा इसको, इससे किसको मतलब होगा, उस US बेस्ड कंपनी को मतलब होगा जो मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है।
अब वो क्या बोल रहा है सर, वो बोल रहा है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाइए यूएस फ्रेमवर्क के हिसाब से और उसे ऑडिट कराइए भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे सर, अगर वो जो इंडियन कंपनी है वो ऑडिट के लिए आता है मेरे पास कि सर जी हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किस हिसाब से बनाया है, स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया है, यूएस कंपनी के नीड को ध्यान रखते हुए बनाया है, प्लीज इसका ऑडिट कर दीजिए, सो इन दैट सिचुएशन मेरी कंसिडरेशन थोड़ी डिफर कर जाएंगी, मेरा कंसिडरेशन थोड़ा अलग हो जाएगा बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मेरे को नॉलेज है कि नहीं उस फ्रेमवर्क का, मैं ऑडिट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो नॉर्मली क्या होता है प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली ऐसा भी होता है यार कि इन सच सिचुएशंस ना जो ये कंपनियाज होती हैं ये सीपीएस को हायर करती हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स को हायर करती हैं इन सच केसेस, ठीक है, टू डू दी ऑडिट। तो ऐसा भी होता है कि ये लोग क्या करते हैं सर, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स को हायर कर लेते हैं, किसी फॉरेन चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लेते हैं क्योंकि नॉलेज की कमी है, नॉलेज का गैप हो सकता है। तो भाई यहाँ पे अल्टीमेटली जो ऑडिटर ऑडिट करेगा उसका कंसिडरेशन कुछ और होगा, कुछ स्पेशल कंसिडरेशन होंगे, वो 700 वाले कंसिडरेशन नहीं होंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है ना उसको स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है और वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया जाता है। और एक एग्जांपल लें तो मान लो भाई एक फॉरेन कंपनी हमारी इंडियन कंपनी को एक्वायर के साथ मर्जर करना चाहती है, तो सिमिलरली मर्जर करने के लिए उनको ड्यू डिलीजेंस करवाना है, सिमिलरली उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉपीज चाहिए और वो बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे कानून के हिसाब से बना के दो, हमारे फ्रेमवर्क के हिसाब से बना के दो। या फिर सर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो किसी बैंक के पास एक कंपनी लोन लेने गई, तो बैंक के पास कंपनी लोन लेने के लिए गई तो बैंक ने बोला कि यार ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने बनाया है कॉमनली सारे यूजर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा स्पेसिफिक नीड है, हमारा स्पेसिफिक खुद का कंट्रोल सिस्टम है, तो हमारे स्पेसिफिक सिस्टम के हिसाब से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीडिजाइन करके दीजिए, हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलाई करेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर कि बैंक वालों ने हमें एक फ्रेमवर्क दे दिया कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बना के दो और हम उस फ्रेमवर्क से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको बना के देंगे, हम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेंगे यार कि ठीक है दिस इज द फ्रेमवर्क एंड अकॉर्डिंगली इस फ्रेमवर्क के हिसाब से अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है एंड अकॉर्डिंगली उस फ्रेमवर्क के हिसाब से अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के उनको दे देंगे। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज भी सिर्फ बैंकर के लिए रेलिवेंट है, सारे यूजर्स के लिए रेलिवेंट नहीं है। और वो भी क्या हो गया सर कि जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जा रहा है एज पर द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि बेटा दो टाइप के फ्रेमवर्क होते हैं, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस के अपन ने एग्जांपल्स लिए, जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता है ये शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होता, कॉमन यूजर्स के लिए नहीं होता, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया इंडियन कंपनी का। फॉरेन कंपनी क्या कर रही है सर, स्टेक एक्वायर कर रही है और फॉरेन कंपनी कहाँ की है, यूएस की है। फॉरेन कंपनी क्या करना चाहती है सर, ड्यू डिलीजेंस करना चाहती है बिफोर एक्वायरिंग द स्टेक, और वो इंडियन कंपनी को बोल रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे यूएस के फ्रेमवर्क के हिसाब से बना के दो और वो यूएस के फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर उस फॉरेन इन्वेस्टर को सबमिट करने वाली है। तो इसको बोलते हैं सर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एज पर द नीड ऑफ द क्रेडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए चाहिए अपने को कॉन्सेप्ट नंबर वन। अब स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है सर, तो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी बैलेंस शीट ही बनेगा, पी एंड एल ही बनेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनेगा, बट ये बनेगा एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। एंड ये जो फ्रेमवर्क है ये सर्टन सिचुएशंस के हिसाब से, सर्टन सिचुएशंस को ध्यान में रख के बनाया जाता है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिक नीड्स ऑफ यूजर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। याद रखिएगा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से जिसमें ध्यान रखा जाता है कॉमन नीड्स ऑफ ऑल द यूजर्स, लेकिन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से जिसमें ध्यान रखा जाता है स्पेसिफिक नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स, जैसे कि क्रेडिटर्स की क्या नीड थी, इन्वेस्टर्स की क्या नीड थी, ठीक है। अब याद करो ऐसा 700 फिर से, अगर हम लोग बोलें कि सर हम लोग जनरल पर्पस फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं, तो उसके भी दो अप्रोच थे, एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क था, कंप्लायंस फ्रेमवर्क था, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए या तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज हो सकता है या कंप्लायंस फ्रेमवर्क यूज हो सकता है। कुछ याद आया, फेयर प्रेजेंटेशन में मैंने बोला था कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, थोड़ा बहुत डिविएशन अलाउड होता है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में मैंने बोला था कि जिद्दी है, जैसा बोला है वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में आपको समझाया था मैंने शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है ना, कभी कभी डिपार्ट भी कर सकती है कंपनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एफआरएफ टू अचीव बेटर प्रेजेंटेशन, लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या बोलता है, भैया जैसा बोला है वैसे ही करो, जो बोला है वैसे ही करो, ठीक है ना। तो दिस वॉज वॉट वी डिस्कस्ड इन एस ए 700। तो यहाँ पे ये जो दोनों चीजें हैं,
चाहे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, चाहे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, चाहे जनरल पर्पस फ्रेमवर्क यूज हो रहा हो, चाहे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज हो रहा हो, यहाँ पे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क भी यूज हो सकता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी यूज हो सकता है। आई बिलीव इट इज क्लियर, ठीक है जी। अब एक चीज और दिमाग में डालना कि ये जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, ये जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, इसको कौन डेवलप करेगा, हु इज गोइंग टू डेवलप। तो देखो, या तो कोई रेगुलेटर डेवलप करेगा, कौन डेवलप करेगा, रेगुलेटर डेवलप करेगा, ठीक है ना, कोई रेगुलेटर डेवलप करेगा, जैसे मान लो इंडिया के अंदर सेबी डेवलप करेगी, ठीक है, या विदेश के अंदर यूएस के अंदर यूएस गवर्नमेंट डेवलप करेगी, जो यूएस की जो अथॉरिटी है वो डेवलप करेगी, एसईसी डेवलप करेगी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन डेवलप करेगी। तो या तो एफआरएफ डेवलप करेगा कोई रेगुलेटर, कौन डेवलप करेगा, रेगुलेटर डेवलप करेगा, या फिर हो सकता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग यू नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाएं। तो हो सकता है कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिसाइडेड होगा कि थर्ड पार्टी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैसा एंटर हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई उनका कोई रेगुलेटर है, कोई लॉ की रिक्वायरमेंट है, उस वजह से क्या हो रहा है कि वो फ्रेमवर्क फॉलो हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है। समझ पा रहे हो? ओके, अब देखना सर, इनका ऑडिट कौन करेगा, जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया जाता है सर, इनका ऑडिट कौन करेगा? तो इनका ऑडिट भी एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा, इनका ऑडिट भी एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ही करेगा। कौन करेगा सर? एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ही करेगा। अब एक चीज बताना, यहां पे जो ऑडिटर अपॉइंट होगा, यहां पे जो ऑडिटर अपॉइंट होगा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए, यहां पे जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो रिपोर्टिंग किसको करेगा, किसको करेगा? सोचो, क्या शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करेगा? नॉर्मली अपन ऐसा 700 में पढ़ते हैं, रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर्स। जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी बनाया जाता है उसमें लिखते हैं टू द शेयर होल्डर्स, बट यहां पे जो इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो ऑडिट कर रहा है, वो रिपोर्टिंग क्या शेयर होल्डर्स को करेगा? नहीं, किसको करेगा? वो रिपोर्टिंग करेगा टू दैट स्पेसिफिक यूजर। फॉरेन इन्वेस्टर ने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाया है तो रिपोर्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर को होगी, क्रेडिटर ने बनवाया है तो क्रेडिटर को होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखोगे, और एक चीज और ध्यान रखोगे, देयर शैल ऑलवेज बी रेस्ट्रिक्शन ऑन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। जो ऑडिट रिपोर्ट था और जहां पे कंपनियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से बनाती थी, तो वहां वो जो रिपोर्ट है वो फ्रीली अवेलेबल था टू ऑल द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन यहां पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया जा रहा है, किसी स्पेसिफिक यूजर के नीड को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, तो इन दैट सिचुएशन इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, इनका यूज भी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, कॉमनली सारे यूजर्स के लिए ही अवेलेबल नहीं होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन द यूज इज गोइंग टू बी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है जी। तो आई बिलीव इतनी कहानी अभी तक क्लियर है, ठीक है, आई बिलीव इतनी कहानी अभी तक क्लियर है कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है, और कभी कभी क्या होता है सर, किसी स्पेसिफिक यूजर के स्पेसिफिक नीड को ध्यान में रखते हुए कंपनी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनती है, और फिर उसको ऑडिट करवाती है, और फिर जब वो ऑडिट होता है तो वैसे 800 के हिसाब से होता है, वहां पे ऑडिटर को वैसे 800 अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज सोचना, लॉजिकली सोचना और मुझे बताना, लॉजिकली सोचना और मुझे बताना, आपने टेक्निकली स्टैंडर्ड्स के अंदर ना पॉइंट स्टार्ट नहीं करें, ठीक है, टेक्निकली स्टार्ट नहीं करें, आप मुझे खाली लॉजिकली एक चीज सोचना और बताना, कॉन्सेप्ट समझ में आया तुमको कि मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूं किस चीज का? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने का, जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है। अब तुम एक चीज मेरे को कॉमन सेंस लगा के बताओ कि भैया अपना जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है ना, जो अपन ने ऐसा 700 में फॉलो किया था, उसमें क्या क्या चेंजेस आएगा? सोचो और बताओ, लॉजिकली दिमाग लगाओ और बताओ, बताओ भाई क्या क्या चेंजेस आएगा, क्या क्या चेंजेस आएगा। एक तो जहां भी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज हुआ था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज हुआ था, वहां वहां स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज हो जाएगा, ठीक है। टाइटल सेम रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो एड्रेस ही है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां अपन एड्रेस कर रहे थे टू द शेयर होल्डर्स, यहां अपने को एड्रेस करना होगा टू द स्पेसिफिक यूजर। उसके बाद ओपिनियन पैरा के अंदर भी चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि वहां अपन लिखते थे कि अपन ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यहां अपने को लिखना पड़ेगा कि अपन ऑडिट कर रहे हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो वहां भी चेंज आ जाएगा।
जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैरा रहेगा, जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैरा रहेगा, वहां भी उस वर्डिंग का चेंज आ जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जगह स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड यूज हो जाएगा, ठीक है, तो वो एक चेंज आ जाएगा। उसके बाद सोचो और क्या चेंज आएगा सर, उसके बाद सोचो और क्या चेंज आएगा। अब हम लोगों को ऑडिट रिपोर्ट में ना बताना होगा, क्या बताना होगा कि भैया ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया गया है। क्या बताना होगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया गया है, और इसको किसने बनाया है, इसको क्यों बनाया है, इसको कैसे बनाया है, इसको किसने बनाया है, इसको क्यों बनाया है, क्या नीड थी और इसको कैसे बनाया गया है, ठीक है, और ये रिपोर्ट किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो ये सारी बातें भी अपने को बतानी होगी, लॉजिकल सा चीज है ना कि अपने को ये सारी बताने भी बतानी होंगी अपने रिपोर्ट के अंदर कि हु हैज प्रिपेयर्ड द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाई द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, हाउ इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, कौन सा FRF यूज हुआ है और कौन कौन से यूजर्स को ये जो ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी है डिस्ट्रीब्यूट होगी, कौन कौन से यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये सारी बातें अपने को बतानी होंगी। तो प्रैक्टिकली सोचो कि यार ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है, ओके, वंस अगेन दोबारा से, अभी तक क्या क्या किया हमने, सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क को समझा कि टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क क्या क्या है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है, ऑडिटर कौन होगा और ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में लॉजिकली क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, अब समझ में आ गया ना, अब तुम समझ लो तुम्हारा स्टैंडर्ड पानी हो गया, इट इज वेरी वेरी सिंपल। अब इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर तुमको याद क्या रखना है बेटा, सिर्फ तीन बातें याद रखनी है, सिर्फ तीन बातें याद रखनी है, राइट, सिर्फ तीन बातें, कौन सी तीन बातें, ये चार्ट आपको बनाना है, कंसिडरेशंस व्हाइल एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, ठीक है, जब अपन एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे तब अपने की ऑडिट कंसिडरेशंस होंगे। दूसरा परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, कि जब मैं एंगेजमेंट परफॉर्म करूंगा तब मेरे क्या क्या कंसिडरेशंस होंगे। और तीसरा रिपोर्टिंग, तुम एनीवेज ऑडिट प्रोसेस को याद करो, ऑडिट प्रोसेस क्या था अपना, एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस एंड रिपोर्टिंग, यही था ना। तो भैया उसी ऑडिट प्रोसेस में अपना क्या क्या कंसिडरेशन रहेगा वो दिया हुआ है, और ऐसे 800 सीरीज का तुम कोई भी स्टैंडर्ड उठा लो, चाहे 800 उठा लो, 805 उठा लो, 810 उठा लो, ये पार्ट कॉमन रहेगा, ये हेडिंग्स कॉमन रहेंगी, ठीक है, कि अपन जब ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे अपने क्या कंसिडरेशंस होंगे, जब अपन ऑडिट कर रहे होंगे क्या कंसिडरेशंस होंगे, और जब अपन रिपोर्टिंग कर रहे होंगे अपने क्या कंसिडरेशंस होंगे, तो ये तीन बातें एकदम कॉमन होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सर कि जब अपन ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे, अपनी क्या कंसिडरेशंस होंगी। और एक चीज याद रखना, मजे की बात बता रहा हूं तुमको, चाहे ऐसे 800 की बात हो रही हो, या 805 की बात हो रही हो, या 810 की बात हो रही हो, ये जो पार्ट है ना एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट का, ये सेम रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है, चाहे ऐसे 800 की बात हो रही हो, या 805 की, या ऐसे 810 की, ये पार्ट बिल्कुल सेम रहने वाला है कि जब अपन एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो अपनी क्या क्या कंसिडरेशंस रहेंगी। अब तुम ये सोचो कि जब भी तुम ऐसा कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट करोगे, स्पेशल असाइनमेंट एक्सेप्ट करोगे, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है, वैसा असाइनमेंट एक्सेप्ट करोगे, तो तुम उस वक्त अपने PR के बारे में सोचोगे। किसके बारे में सोचोगे सर, PR के बारे में सोचोगे, यानी ये गाना एज ए बैकग्राउंड म्यूजिक तुम्हारे सामने प्ले होना चाहिए, कौन सा, पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया, क्या, पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया। तो जब भी आप ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे तो अपना स्पेशल कंसिडरेशन होगा पिया, दैट इज अपने को पर्पस देखना है कि पर्पस क्या था इस असाइनमेंट का। दूसरा, इंटेंडेड यूजर्स कौन है, किनके लिए रिपोर्ट बनाया जा रहा है। और तीसरा, एक्सेप्टेबल FRF, एक्सेप्टेबल FRF कौन सा है, FRF एक्सेप्टेबल है कि नहीं। याद करो ऐसा 210 प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट, वहां भी सेम पॉइंट होता था कि अपन जब भी ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे अपन देखेंगे कि FRF एक्सेप्टेबल है कि नहीं, FRF एक्सेप्टेबल नहीं है तो अपन ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो यहां भी ये तीन बातें हैं, पिया पर्पस देखूंगा, इंटेंडेड यूजर देखूंगा, और FRF एक्सेप्टेबल है कि नहीं ये देखूंगा, पर्पस देखूंगा, इंटेंडेड यूजर देखूंगा, और FRF एक्सेप्टेबल है कि नहीं ये देखूंगा, ठीक है जी। अब याद रखिएगा, यहां पे जो FRF है इसको प्रिस्क्राइब कौन करता है, या तो रेगुलेटर प्रिस्क्राइब करता है, या कोई लॉ में प्रिस्क्राइब रहेगा, या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपन एंटर करेंगे, क्या करेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करेंगे, ये पॉसिबिलिटीज है ना। तो अब मान लो अगर ये जो FRF है इसको डेवलप किया है
रेगुलेटर ने, किसने डेवलप किया है, रेगुलेटर ने डेवलप किया है। इट इज डेवलप्ड बाय एन ऑथराइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज डेवलप्ड बाय एन ऑथराइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्मली सोच के देखो यार कि ये जो FRF बनाया है ना, ये भी वही किसी ने नहीं बनाया, मैनेजमेंट ने खुद नहीं बनाया, अपनी मर्जी से नहीं बनाया, एक ऑथराइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है जिसका काम है फ्रेमवर्क्स बनाना। सो इन दिस सिनेरियो नॉर्मली तुम क्या मानोगे, FRF एक्सेप्टेबल है या नहीं है, बताओ। तो सर इन दिस सिनेरियो तुम ये मानोगे नॉर्मली कि FRF एक्सेप्टेबल है, क्या मानोगे FRF एक्सेप्टेबल है, अगर एक स्टेब्लिश्ड प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, अगर एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है FRF बनाने के लिए, तो तुम मानोगे FRF एक्सेप्टेबल है। तो अगर FRF डेवलप किया है ऑथराइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, तो हम प्रिज्यूम करेंगे कि FRF एक्सेप्टेबल है, ठीक है, अगर एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो हो रहा है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो हो रहा है FRF को बनाने के लिए। अगर FRF लॉ के द्वारा डेवलप हुआ है या किसी रेगुलेशन के द्वारा डेवलप हुआ है, तब भी हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जब तक कुछ भी कॉन्ट्ररी ना हो, कहीं कुछ और, कहीं कुछ मनाही ना किया गया हो, कहीं कुछ प्रोहिबिशन ना किया गया हो, नॉर्मली अगर FRF लॉ प्रिस्क्राइब कर रहा है, सो इन दैट सिचुएशन भी अपन मान लेंगे कि FRF एक्सेप्टेबल है। और तीसरा सिचुएशन कि FRF कैसे बन रहा है, सर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बन रहा है, तो इन दैट सिचुएशन अपन क्या देखेंगे कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू FRF बन रहा है, यानी क्लाइंट का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू FRF बन रहा है। तो FRF का जो बेसिक एट्रीब्यूट होना चाहिए एज पर ऐसे 210, वो सारा बेसिक एट्रीब्यूट प्रेजेंट है कि नहीं, कि FRF का जो भी बेसिक एट्रीब्यूट होना चाहिए एज पर ऐसे 210, वो बेसिक एट्रीब्यूट प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो देखना दोबारा से, कंसिडरेशन तीन थे हमारे, एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, परफॉर्मिंग रिपोर्टिंग। एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट मैंने बोला PR, पर्पज इंटेंडेड यूजर एप्लीकेबल एक्सेप्टेबल FRF। लेकिन साथ में अपने को एक चीज और देखनी है सर, जब अपन एक्सेप्ट करेंगे कि FRF डेवलप किसने किया है, FRF बनाया किसने है, जो फ्रेमवर्क यूज हो रहा है उसको बनाया किसने है। अगर ऑथराइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है तो मैं मान लूंगा एक्सेप्टेबल है, अगर एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो हो रहा है। अगर FRF डेवलप किया गया है बाय लॉ और रेगुलेशन, तो मैं मान लूंगा एक्सेप्टेबल है, अगर अनलेस एंड अंटिल कहीं और बनाई हूं। और अगर FRF डेवलप किया गया है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, यहां मेरे को ध्यान रखना है सर कि मैं ये देखूंगा कि पार्टिकुलरली जो FRF यूज हो रहा है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डेवलप किया गया है, उसके अंदर एक्सेप्टेबल FRF वाले करेक्टरिस्टिक्स हैं कि नहीं, एट्रीब्यूट्स हैं कि नहीं एज पर ऐसे 210। अगर एक्सेप्टेबल FRF वाले एट्रीब्यूट्स हैं तो मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये था पहला फेज जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग द ऑडिट। अब मैं क्या करूंगा सर, मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, मैंने देखा पी आ पर्पस सही है, इंटेंडेड यूजर ठीक है भाई, एक्सेप्टेबल FRF है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने काम एक्सेप्ट कर लिया, अब मेरे को ऑडिट करना शुरू करना है। अब नॉर्मल सिनेरियो में अगर मैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा होता और मैं ऑडिट करना शुरू करता, तो मैं क्या करता बताओ, मैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करता कि नहीं करता, इंडिपेंडेंटली काम करता कि नहीं करता, मैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो करता कि नहीं करता, बिल्कुल करता, मैं अंडरस्टैंडिंग लेता कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन का, बताओ मैं अंडरस्टैंडिंग लेता कि नहीं, 315 लगाता कि नहीं, बिल्कुल लगाता। तो भैया यहां भी तुमको सेम चीज करनी है, कुछ अलग नहीं करना है। तुम ये सोचो कि अभी तक तुम इतना पढ़ के आए थे परफॉर्मिंग में और अब तुमको इतना सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अभी तक तुम किसी स्टैंडर्ड में क्या क्या करना है इतना कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अब तुमको इतना सा करना है क्योंकि स्पेशल पर्पज है, खाली स्पेशल फ्रेमवर्क के हिसाब से है। तो परफॉर्मिंग में ना खाली तुमको तीन बातें याद रखनी है, रेड राइवल से चार बातें याद रखनी है, मैं तुमको ऐड कराऊंगा। परफॉर्मिंग में खाली तुमको तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहले जिस तरीके से नॉर्मल ऑडिट में अंडरस्टैंडिंग लेते थे ना, ऐसे 315 के अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, याद है, उसी तरीके से यहां भी अंडरस्टैंडिंग लेना है, और अंडरस्टैंडिंग लेना है अकाउंटिंग पॉलिसीज का, किसका अंडरस्टैंडिंग लेना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज का। और अगर FRF कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डेवलप हुआ है तो अंडरस्टैंडिंग लेना है उस कॉन्ट्रैक्ट, तो किसकी अंडरस्टैंडिंग लोगे यहां पे, अकाउंटिंग पॉलिसीज की अंडरस्टैंडिंग लोगे। और अगर FRF कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डेवलप हुआ है तो अंडरस्टैंडिंग लोगे उस कॉन्ट्रैक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं कुछ सिग्निफिकेंट टर्म्स तो नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, नॉर्मल ऑडिट करते वक्त भी अपन स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करते थे, यहां भी अपन स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करेंगे, लेकिन वहां सारे स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करते थे, यहां रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करेंगे जो भी अपने लिए रेलिवेंट है। सारे स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, अपने को देखना होगा अपने लिए क्या क्या रेलिवेंट है, ठीक है। जैसे कि यहां दिया हुआ एग्जाम्पल ऐसा 320, कि 320 अपने लिए यहां बहुत रेलिवेंट है। आप डिटरमाइन करो मेटलिटी को, आप डिटरमाइन करो मेटलिटी को कि आपके लिए क्या मटेरियल है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट आपके लिए मटेरियल है,
ठीक है ना। जो भी मैनेजमेंट ने मैटरलिटी लेवल डिसाइड कर रखा है आप उस पर भरोसा मत करो, आप खुद अपना मैटरलिटी लेवल डिसाइड करो। और ये मैटरलिटी लेवल जो है वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते वक्त जो मैटरलिटी लेवल सेट हुआ था उससे अलग हो सकता है, इट कैन बी डिफरेंट। सो आप क्या करो, मैटरलिटी लेवल डिसाइड करो। तीसरी चीज बोली एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करो भैया, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, कि आपको यहाँ भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना है, इंडिपेंडेंस के साथ काम करना है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें करनी है। तो नॉर्मल ऑडिट करते वक्त भी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से ऑडिट करते वक्त भी आप क्या कर रहे थे, एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रहे थे, यहाँ भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रहे हो। तो परफॉर्मिंग में तुम देखो यहाँ तीन बातें आ गई बस, एक अंडरस्टैंडिंग लेना है अकाउंटिंग प्रोसेस का या कॉन्ट्रैक्ट का, कंप्लायंस करने हैं एसेस का बट रेलिवेंट टू ऑडिट, मैटरलिटी लेवल डिटरमाइन करना है, खुद से डिटरमाइन करना है, क्लाइंट के बनाए गए मैटरलिटी पे भरोसा नहीं करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है, ठीक है। और परफॉर्मिंग में ना तुम एक पॉइंट और ऐड कर लो, परफॉर्मिंग में तुम एक पॉइंट और ऐड कर लो। कौन सा पॉइंट ऐड करोगे? डिटरमाइन द TCWG। ये देखो कि TCWG कौन है, ये देखो कि TCWG कौन है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड बोलता है बेटा जो ऐसे 260 में तुमने TCWG डिटरमाइन किया था ना, वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट के हिसाब से डिटरमाइन किया था। हो सकता है कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से यहाँ TCWG कोई और हो, तो डिटरमाइन करो TCWG कौन है, पहचानो TCWG कौन, डिटरमाइन करो TCWG कौन। तो बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ भी नया नहीं है, तुमने जो इतना सारा स्टैंडर्ड्स किया था उसका छोटा सा पार्ट यहाँ है। तो परफॉर्मिंग के अंदर बेटा चार पॉइंट याद रखना है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है 315 की, जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज कॉन्ट्रैक्ट ये दो वर्ड याद रखना है। दूसरा स्टैंडर्ड्स अप्लाई करना है बट वो स्टैंडर्ड जो कि ऑडिट के लिए रेलिवेंट है। तीसरा मैटरलिटी वाला पॉइंट कि अपने को मैटरलिटी लेवल डिटरमाइन करनी है, और चौथा एथिकल देन एथिकल रिक्वायरमेंट्स वाला पॉइंट एंड TCWG को अपने को डिटरमाइन करना है। क्या करना है अपने को TCWG डिटरमाइन करना है कि TCWG कौन है। और तीसरा स्टेज हो गया रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग के लिए अपने को ऐसे 705 के प्रिंसिपल्स ही ध्यान रख 700 के प्रिंसिपल्स ही ध्यान रखने हैं। जो ऐसे 700 के प्रिंसिपल्स थे जो फॉर्मेट था वही लगेगा, प्लस स्पेसिफिक चेंजेस। और स्पेसिफिक चेंजेस क्या होंगे, हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है कि स्पेसिफिक चेंजेस क्या क्या होंगे, कि किस तरीके से ओपिनियन पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। अपने को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि फ्रेमवर्क जो बनाया, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया गया है ये किसने बनाया है, क्यों बनाया है, किसके लिए बनाया गया है, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो सारी चीजें बतानी होंगी। तो रिपोर्टिंग के अंदर ये सारा कुछ आ जाएगा, क्लियर है। तो रिपोर्टिंग इज वेरी सिंपल, रिपोर्टिंग का हिस्सा ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब और क्या करना है सर, स्टैंडर्ड में कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड यहीं खत्म, बताओ इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? तो स्टैंडर्ड यहीं खत्म हो गया, कुछ नहीं करना है आपने। मैं आपको भी स्पेस दूंगा, आप नोटिंग कर लेना, एक बार बुक से देख लेते हैं। तो ऐसे 800 स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अपने स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक डेफिनेशन रीड कर लोगे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे 800 मेन है, तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्लीकेबल FRF, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्लीकेबल FRF, कि एप्लीकेबल FRF के बारे में अपने को रिपोर्ट में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ खासियत तो FRF ही है, ठीक है। तो अपने को एप्लीकेबल FRF के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर FRF जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बना है तो कॉन्ट्रैक्ट की सिग्निफिकेंट बातें डिस्क्राइब करनी होंगी, कॉन्ट्रैक्ट की सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस डिस्क्राइब करनी होंगी, PR डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ये सारी चीजें अपने को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और एक चीज और, अपने को इस चीज को इम्फोसाइज भी करना पड़ेगा, हाईलाइट भी करना पड़ेगा कि भैया ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, और ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं बना है। वी हैव टू इम्फोसाइज ऑन दिस, वी हैव टू हाईलाइट ऑन दिस, कहीं यूजर्स ये ना समझ ले भैया कि ये तो हमारे मतलब की चीज है, ये तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से ऑडिट हुआ है। नहीं, यूजर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो अपने को यूजर को इम्फोसाइज करना होगा, बताना होगा, और इम्फोसाइज कहां करते हो, इम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐसा 706। तो यहां पे ऐसा 706 का भी इंप्लीकेशन आ जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, इम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सावधान कर देंगे, सावधान यूजर्स सावधान, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है ये जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं बना है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, आपको इनको यूज नहीं करना है, ये सिर्फ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए है, ठीक है जी।
तो ये सारी चीज़ें तुमको इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर ध्यान रखनी है। बहुत सिंपल है, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अब मान लो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, सी एम सूर्या इज ऑडिटर फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ही इज ऑफर्ड ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स अपियरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैन ही एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट। तो देखो भैया क्या बोला यहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया गया है इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, तो यानी कि ऐसे 800 लगेगा, क्योंकि कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में डिसाइडेड है। और 800 ने, 800 ने क्या बोला कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो है, या तो रेगुलेटर बता सकता है कौन सा फ्रेमवर्क है, या लॉ बता सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली ऐसे 800 एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स के ऑडिट को भी एक्सेप्ट करने की बात की गई है, यानी किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के ऑडिट को एक्सेप्ट करने की बात की गई है, तो ऐसे 805 भी लगेगा। बट ये पॉइंट आपको तब समझ में आएगा जब 805 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये पॉइंट आपको तब समझ में आएगा। तो बहुत सिंपल स्टैंडर्ड है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टैंडर्ड। बाकी सब बैकग्राउंड के लिए था, बाकी सब बैकग्राउंड के लिए था, स्पेशल केसेस, ये जो एग्जांपल्स हैं, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये सब एग्जांपल के लिए था। मेनली तुमको याद रखना है कंसिडरेशंस वाइल, ये चीज याद रखनी है। एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट में क्या करेंगे, परफॉर्मिंग में क्या करेंगे, रिपोर्टिंग में क्या करेंगे, और रिपोर्टिंग में क्या क्या चेंजेस आएगा, अपने को क्या क्या चीजें डिस्क्राइब करनी होंगी रिपोर्ट में, बस इतना ध्यान रखना है, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। प्लीज नोट इट डाउन, सिंपल स्टैंडर्ड है, और ज़्यादा टाइम लगा के मतलब नहीं है। ठीक है, आपको अलग से वॉइस क्लिप मिल जाएगा फटाफट इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। एंड इतना ही आसान 805 और 810 भी है, मतलब टोटली बहुत इजी सीरीज है। खाली 810 में तुम फिर भी देखोगे कि थोड़ा बहुत डिस्कशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, अच्छा स्टैंडर्ड है। बट 800, 805, दैट इज वेरी वेरी सिंपल।
ठीक है जी, तो बस इतनी ही बातें याद रखनी है आपको ऐसे ऐसे 800 के सीरीज में, इट्स वेरी वेरी सिंपल।